हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटर। आज बारी है, या फिर अभी बोल लीजिए, अब बारी है चैप्टर नंबर 11 की, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड द मैटर। ठीक है, तो आई होप जो हमने पिछले 10 वीडियो बनाए वो आपको बहुत अच्छे लगे। एक वीडियो में ये भी डाला है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, फॉर द बोर्ड एग्जाम या फिर फॉर एनी एग्जाम। देखो, सारे एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपको कुछ चीजें सब में कॉमन होती है, कि डिस्ट्रेक्शन दूर रहना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, चीजें बहुत कॉमन होती है ना। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो तक हमारे चैनल पे जा चुकी है, अगर आपको नहीं देखी तो जाइए उसको देखिए। बाकी 10 चैप्टर जो फिजिक्स के मैंने डाले हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन रखे हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखे जाइए उनको देखिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड द मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से फिनोमेनन या फिर कौन सा ऑप्शन है जिसमें से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? दैट इज एक्सरे इमिशन। एक्सरे इमिशन में नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन में भी होता है, सेकेंडरी इमिशन में भी होता है, पर एक्सरे में नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज एक्सरे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बट व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन When the light is incident on the metal plate, kinetic energy पे क्या असर पड़ता है electrons की जब वो metal surface पे strike करता है? ठीक है, तो it varies with frequency of light. तो this is the right answer. It varies with frequency of light. ठीक है, तो ये right सही है. Option number 2 क्या बोल रहा है? Varies with light intensity. गलत बात है. Varies with speed of light. ये भी गलत है. It varies. It is irregular. ये तो भाई गलत ही है. तो ऑप्शन नंबर क्या, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस विच, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो उनमें से क्या करता है? ठीक है, आपको मुझे बताना है, कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं, आप बताना है मुझे इनमें से ऑप्शन जो है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से पता कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लाइट का इफेक्ट। ठीक है, तो इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या बोला है, व्हाट डज अ कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ। कैथोड रे इनमें से किस चीज से ही कंसिस्ट करता है? ठीक है, तो That is cathode ray, that is consist of electron. ठीक है, electron कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, electrons. Cathode ray consist of electrons. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, who gives the theory of quantization of electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी? इनमें से साइंटिस्ट है जेजे थॉमसन, विलियम एंड आर ए एंड साइंटिस्ट नंबर 4। ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि इनमें से किसने थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन दी फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, आर ए मिलिकन। ठीक है, आर ए मिलिकन ने ये थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। मैंने पिछले वीडियो में बोला, हर वीडियो बोलता, अगर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ किया है उनके काम को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होता है और ये बहुत ही हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, Which of the following metal is not sensitive to visual light? इनमें से कौन सा metal visual light से sensitive नहीं है? याद रखना है, नहीं है बताना है, है नहीं बताना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कौन सा है, पहला ऑप्शन देगा, मार्क कर दिया, क्योंकि पहला ऑप्शन तो है sensitive light से, है ना? तो कौन सा है, नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, रुबीडियम भी है, सोडियम भी है, सोडियम तो भैया आग लग जाती है उसमें, सीजियम भी है, कैडमियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कैडमियम इज नॉट सेंसिटिव टू द विजुअल लाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन। इनमें से कौन सी फिनोमेना या कौन सी ऑप्शन को वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं करती है, नहीं करती है, फिर से नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन को करती है, इसको भी करती है ऑप्शन। तो अगर मान लीजिए, अगर हमने नॉट नहीं देखा, डज ये नॉट नहीं देखा, जैसे ये वाला नॉट, तो मैं पहला ऑप्शन देख के आगे बढ़ जाऊंगा, पर ये गलत हो जाएगा, इसमें नॉट पूछा, नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन को करती है, फोटो करंट को नहीं करती है। ठीक है, फोटो करंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, फोटो करंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे
फोटो फोटोन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय, फोटोन्स किससे डिफ्लेक्टेड होते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली, गलत, ओनली बोल दिया मैंने भैया, इसमें भी ओनली बोल दिया। हाँ ओनली वाला ऑप्शन तो बहुत कई हद तक गलत होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज इज दी राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से लॉ के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है? तो दैट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। फोटोन डज नॉट पासिस, फोटोन डज नॉट पास पजेसिस, इनमें से क्या नहीं करता है? तो दैट इज रेस्ट मास। ठीक है रेस्ट मास, फोटो रेस्ट का उस पे फोटो का कोई रेस्ट कोई मास ही नहीं है, ये इस क्वेश्चन पे कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य रही है। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा ना पेन कभी कभी दिक्कत कर देता है, जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम है इसको ठीक कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.9 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसमें 1.9 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड है, इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। एक उसको किस पर डाला गया, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया, देन फोटो करंट बिकम, तो फोटो करंट पे क्या असर पड़ेगा या फिर क्या हो जाएगा? तो आई गेस कि वो तो जीरो ही होगा, है ना, दैट इज जीरो। रीजन क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वी आई इज इक्वल टू 0.95 ऑफ वी नॉट। ठीक है इसको याद रखिए तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को मार्क करने में। ठीक है क्वेश्चन नंबर आप 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज एक्स। ठीक है तो वर्क फंक्शन यानी कि डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना, ये किसका है? ऑफ मेटल एक्स का। तो व्हाट व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा के बारे में बात की गई, ऑफ फॉर द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन टू टू डब्ल्यू नॉट। तो टू डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई, एच सी सबके लिए कॉमन हो गई, तो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ये सी स्पीड है ना, तो लैम्डा इसमें लैम्डा टू बोल दिया इसको, मैंने इसको लैम्डा वन या फिर इसको लैम्डा टू बोल दिया। तो इन दोनों को मैंने इन दोनों का रेशियो लिया, तो टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू हो गया, है ना। तो आपको बताना है क्या होगा इसमें। ठीक है तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन बाई टू, यानी कि जो 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 जब जब वर्क फंक्शन टू डब्ल्यू नॉट होगा तब उस समय वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा बाई टू, यानी कि जो इनिशियल थी उसकी बाई टू हो जाएगी। तो 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्या बोल रहा है? ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मेटल। एक भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एक फोटो सेंसिटिव मेटल पे हमने स्ट्राइक कराया फिर उस पर डाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई। तो मैक्सिमम काइनेटिक ई मैक्सिमम कितनी दे रखी है? ई। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, एफ को हमने 2F कर दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ। अब इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हमको पता है कि एच वी, एच यहाँ फ्रीक्वेंसी, एच वी इज इक्वल टू फंक्शन इनटू ई। ठीक है तो इससे क्या असर पड़ेगा हमें बताना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला का यहाँ होना चाहिए। तो दैट इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच वी माइनस एच वी प्लस ई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है पेन पेन पेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ई के। फॉर द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस ई के, है ना। तो देख लीजिए, तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया हमारे पास, तो इसके हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें ग्राफ मैच कर रहा है? तो मुझे लगता है सबसे अच्छा कौन सा मैच कर रहा है? डी। और आई होप आपको ये याद भी होगा, ये
ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15, द स्टॉप पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट फॉर द फोटो, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर फॉर अ मेटल सरफेस इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अलोंग एक्स एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है ना, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किसको वाई पे प्लॉट किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन एज शोन, एज शोन द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट किससे होगा, द स्लोप ऑफ द लाइन, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एंड एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बोलते बोलते थोड़ा दिक्कत होती है गले में। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज किससे गिवन होगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन की प्रोडक्ट से एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना दे रखा है, 450 नैनोमीटर, यानी कि 450 × 10⁻¹, है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना, इसको वैल्यू डालिए, आंसर लाइए। चलो मैं एक बार कर दो, 6.6 × 10⁻¹¹। सी की वैल्यू क्या हुई, सी इज इक्वल टू, सी मैंने सी लिख दिया भाई, 3 × 10⁸ अपॉन 450 × 10⁻¹⁹ जूल, आएगा जूल में आएगा। तो इससे कैलकुलेशन करके क्या मिलेगा आपको, फोर दैट इज 4.4 × 10⁻¹⁹, मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है, तो दैट इज 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस आप फॉर्मूला याद रखिए, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा आपको पता है, दे रखा है आपको, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, आपको सिंपल सा वैल्यू डाल दिया, आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 eV। कैलकुलेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है एसोसिएटेड विद एच, हमें कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता होना चाहिए एच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई पी, पी क्या मोमेंटम, इसको इसको ऐसे इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे ले सकते हैं, एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m, सॉरी 2ke, 2m भी होगा ना, तो के, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2.7 एंगस्ट्रम। आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालिए यहाँ पे 2, ठीक है, तो इन फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और आंसर लाइए। ठीक है, इससे आंसर करेंगे तो ऑप्शन क्या मिलेगा, 2.7, मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, और एम की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, जो फॉर्मूले में क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m ke, ke क्या काइनेटिक एनर्जी, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच आपको दे रखा है, टू तो आपको क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो आपको सिर्फ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं, दैट इज 2.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 है ना ये, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 ही है, द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है ना, द इफेक्ट इज इक्वल टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वल टू, इनमें से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बराबर होगा, तो स्लोप हमें दे रखी है, तो जैसे कि फॉर्मूला है एच ई इज इक्वल टू एच नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है, इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी को ई लिख दिया है, ई वी नॉट, ठीक है, तो इसको मैसे लिख सकते हैं एच इज अपॉन ई इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन ई दैट इज इक्वल टू वी नॉट, है ना। तो आप निकाल लीजिए इसमें से, आपको देखो आपको एक क्वेश्चन मिल गई, आपको एक आपको स्लोप भी मिल गई, स्लोप क्या दे रखी है, एच एच वाई ई, देखो स्लोप क्या है, देखिए है ना, स्लोप स्लोप भी आपको मिल गई, तो आप इससे अब हम क्या बताना है इसमें, दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बराबर होगा, तो दैट इज एच वाई ई, देखिए एच वाई ई है ना, एच वाई ई के बराबर होगा, क्योंकि ये ग्राफ दे रखा है हमें वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बेसिस, यानी कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो आंसर इज सी एच वाई ई, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए प्रोटॉन,
प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस. सेम पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बी मान लिया एंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है. तो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ तो मैंने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2mev है ना. तो अगर मैं प्रोटोन के बारे में बात करूं तो मैंने पी लिख लिया है ना. और दूसरा क्या है अल्फा पार्टिकल. तो एच अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच अपॉन रूट ओवर ऑफ टू. जो मास है वो उसका फोर टाइम्स हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का. फोर टाइम चार्ज टू ई हो गया और बी. ठीक है. तो जो प्रोटोन का जो प्रोटोन में और अल्फा के और अल्फा पार्टिकल के मास में क्या है. जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन है ना. और जो चार्ज है वो टू टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन है. ठीक है. अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है तो इससे क्या जब आप क्या निकालना है इसमें रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है आपको है ना. तो आप इन दोनों को रेशियो निकाल लीजिए. तो रेशियो जो आएगा वो क्या होगा रूट ओवर ऑफ एट. क्योंकि फोर टू जो एट ही सारी चीजें एच से एच कैंसिल हो जाएंगी. इसमें टू से टू एम ई वी सब कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा रूट ओवर ऑफ एट बचेगा. ठीक है. चलिए कोई कोई इसमें ये भी कर सकता है कि अल्फा पार्टी इसमें रेशियो उल्टा ले ले. पर ऑप्शन अच्छी बात है. इसमें ऑप्शन से रूट ओवर एट दे रखा है. अगर वन अपॉन रूट ओवर एट दे रखा होता तो आपको पता होना चाहिए था कि रेशियो किसका पूछा है ना. तो ये भी अच्छी ऑप्शन है क्वेश्चन मतलब आपको ट्रिक करने का. ये भी तरीका हो सकता है कि वन अपॉन एक ऑप्शन दे रखा होता है वन अपॉन रूट ओवर ऑफ एट है ना. कुछ बच्चे सही करते एकदम सही करते पर रेशियो गलत ले लेते तो वो रूट ओवर वन अपॉन रूट एट कर माफ कर देते. तो ये भी गलती हो जाती है बच्चों. ठीक है. चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है. द वर्क फंक्शन ऑफ थ्री मेटल. वर्क फंक्शन ऑफ थ्री मेटल दे रखा है. वर्क फंक्शन का मतलब अरे यार पेन पेन हाँ है ना. तो कितना दे रखा है 4.5, 4.3 and 3.5 respectively. If the light of wavelength और wavelength कितनी दे रखी है lambda हमको दे रखा है lambda is equal to 4000 angstrom. ठीक है. Is incident on the metal. इस 4000 angstrom की light को incident कराए metal पे. Then अब उसमें पूछा है क्या. अब देखिए हमें formula पता होना चाहिए. I guess हमें थोड़ा जगह कम है. मेरा face भी आ रहा हुआ है side पे. तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ नीचे लिखने की. थोड़ा सा मुझे माफ करना. जब आप इसमें पर्टिकुलरली हर किसी का निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा है ना. तो आप हर किसी का निकाल के देख लीजिए वर्क फंक्शन है ना. तो उसमें क्वेश्चन मुझे ऑप्शन नंबर ए क्या बोला. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम ए. नहीं ये तो गलत होगा. फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना. ऑप्शन नंबर बी क्या बोला. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम बी. नहीं. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम सी. नहीं. ऑप्शन नंबर डी क्या बोला. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम ऑल द मैटर्स. ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा. क्योंकि देखो जब आप जब इसमें एनर्जी में जब इसमें आंसर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है. ठीक है. आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए और आंसर को निकालिए. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर है ना. तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए. और बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. बिना किसी दिक्कत के आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको पब्लिक चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछने में मुझे दिक्कत हो रही है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए. मैं आपका रिप्लाई पक्के से करूंगा. ठीक है. और आपको कोशिश करूंगा पर्सनली असिस्ट करने की. ठीक है. तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.